भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। फिलहाल हूँ मैं आपका, मतलब ये लगा लो भीलवाड़ा से 100 किलोमीटर आगे हूँ। कौन सी जगह है ये? राजसमंद काकरोली में हूँ मैं अभी फिलहाल। और सुबह सुबह जैसे ही उठा साइकिल पंचर मिली तो पंचर वंचर लगाया, देखो हाथ वाथ कैसे गंदे से हो गए। यहाँ रात को रुके थे भाई पेट्रोल पंप पे, ये भैया है और ये भाई लोग, इन्होंने हेल्प कर दी थी रात को यार, नहीं तो एक पेट्रोल पंप वाले ने मना कर दी थी रात को, तो बड़ा परेशान हो गए थे। फिर भाई और के पास आ गए थे हम। भाई यहीं से हो आप, लोकल ही हो यार? हाँ, ये भाई लोग यहीं से हैं तो इन्होंने हेल्प कर दी थी, तो अब निकल रहे हैं भाई यहाँ से। आज तो 100% उदयपुर पहुँचना ही पहुँचना है, तकरीबन 70 किलोमीटर बाकी है अभी और 8 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो लेट तो वैसे हो गया हूँ, पर ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। साइकिल पंचर होगी तो उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, खुद ही पंचर लगाना पड़ा मेन बात वो भी है। तो निकलते हैं भाई और फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। ये देख लो भाई, पंचर हो गया साइकिल में सुबह सुबह यार। सो के उठे हैं कि भाई चल निकलते हैं, टाइम हो गया और साइकिल पंचर खड़ी है। पता नहीं रात में खड़ी खड़ी में कैसे पंचर हो गया अपने आप ही। बाकी ठीक है, देखता हूँ अभी, करता हूँ खुद से ही, क्योंकि दुकान तो है नहीं कोई आसपास में, खुद से ही पंचर लगाना पड़ेगा। पहले सारा बैग उतारना, बैग में से पंचर निकालना, पेचकस वगैरह निकालना, उसके बाद जाके कुछ काम होगा इसमें। देखते हैं भाई, खोलते हैं इसको। बोल रहे हैं पंचर हो गया साइकिल में, अब दुकान है नहीं आसपास कुछ भी, तो खुद ही मिस्त्री बन रखे हैं हम। आगे जाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जुगाड़। अभी आगे से ना यू टर्न मारना पड़ेगा, क्योंकि रात को हम रॉन्ग साइड पे रुके थे, क्योंकि जो हमारी साइड पे पेट्रोल पंप था उन्होंने मना कर दिया था, और भाई होटल था बहुत महंगा, तो बजट ट्रैवल में यही करना पड़ेगा कि आगे पीछे उल्टा सीधा कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना ही पड़ता है सोने के लिए रात को। तो रात को आपने देख ही लिया था, मैंने टेंट लगाया था, टेंट में सोया था मैं और ये भाई जो साथ में है। और आज जाना है उदयपुर, यहीं से बस यू टर्न है, ये गाड़ी आई जहाँ से, यहाँ से अपना यू टर्न लेंगे और अपने रास्ते पे हो लेंगे अब उदयपुर के लिए। यार मेरे को ना पानी की प्यास लगी है बहुत तेज। मैं आ गया हूँ तकरीबन 7 किलोमीटर सुबह से आज, क्योंकि जैसे ही उठा तो साइकिल पंचर हो गई थी, वो लगाया तो फिर वहाँ से निकल के आ गया और मैंने पानी भरना भूल गया पंप पे आज। और अब प्यास लगी बहुत तेज और कोई भी दुकान नहीं खुली हुई दिख रही। मैं तो सोच रहा हूँ कोई घर ही मिल जाए, कोई दुकान, कोई ढाबा, वहाँ से बोतल भरवा लूँगा, नहीं तो प्यास लगी। पीने का पानी मिल जाएगा अंकल जी? अच्छा पीने का है, वहीं से भर लेता हूँ। यहीं पे भाई रोड पे एक घर था, तो मैंने पूछा उनसे कि पीने का पानी मिलेगा, तो बाहर टूटी लगी हुई थी ताज़े पानी की, तो वहाँ से भर लिया पानी अपना, पी भी लिया और भर भी लिया अपने लिए। अभी 60 किलोमीटर और बाकी है उदयपुर, उससे पहले मेरे को रुकना है नाथद्वारा, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको क्यों रुकना है नाथद्वारा आज, आपको मज़ा आएगा देख के, काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो है। अभी बोल देता हूँ हर हर महादेव, ठीक है। क्या हो गया भैया, थक गए? कितने घंटे से कर रहे हो? मैं तो यहाँ लोकल ही हूँ, नया नया चालू किया। मतलब फिर भी कितने घंटे हो गए करते हुए? अभी आधा घंटे। ये रास्ता ऐसा ही है क्या अब नाथद्वार तक, उदयपुर तक? ये घाटी है आगे, घाटी नहीं है आगे, मतलब यही था सिर्फ एक, फिर तो ठीक है। ओवरब्रिज नाथद्वारा में आएगा तो वो नाथद्वारा वाला आएगा। अच्छा, वो ज़्यादा वो चल के वो चढ़ना पड़ेगा। हाँ वो तो कोई नहीं, ठीक। तो भाई ये वही हाईवे आ गया अजमेर जयपुर और उदयपुर वाला, जो मेन हाईवे है। जैसे हम भीलवाड़ा से आए, बाईपास से होके आए अब अंदर अंदर से, तो ये दूसरा हाईवे आ गया, तो मेन हाईवे है अब। अब यहाँ
यहाँ से उदयपुर रह गया 57 किलोमीटर। देखते हैं किस टाइम तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि 9:30 हो गए, आज बहुत समय लग रहा है भाई, क्योंकि अभी तक हवा जो है वो हवा सामने की चल रही थी और हवा रोकती है ही बार बार। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि शाम दूसरी तरफ की हवा चल रही है तो हम हवा के साथ चल सकते हैं, नहीं तो हवा को काट के चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। यार रुक गए चाय पीने के लिए, हाथ देखो मेरे लाल हो गए, बिल्कुल लाल हो रखे हाथ, दोनों हाथ। तो चाय पी लेते हैं और फिर निकलेंगे आगे दोबारा से, क्योंकि तो बहुत समय लगने वाला है यार। दोस्तों इधर ना अपने राइट साइड में एक भोले बाबा की मूर्ति दिख रही होगी आप लोगों को, दिख रही है या नहीं पता नहीं। एक तो ये मेरा ना ट्राइपॉड बहुत ढीला हो गया है, तो ये जो मूर्ति है ये संसार की सबसे ऊंची भोले बाबा की मूर्ति है। 351 फीट का स्टैचू है भोले बाबा का। और अभी ये जो है, एक भैया आए थे उनसे पूछा मैंने, वो बता रहे थे कि 21 किलोमीटर दूर से विजिबल है, मतलब एक मूर्ति है जो उसकी हाइट है 351 फीट, नाथ द्वारा के अंदर है और उसकी जो विजिबिलिटी है वो तकरीबन 21 किलोमीटर दूर से दिखती है वो मूर्ति। अभी मेरे को बिल्कुल क्लियर दिख रही है, ऐसा लग रहा है 100 मीटर दूर पे है, पर अभी भी 6-7 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये संसार की सबसे ऊंची मूर्ति है भाई, संसार की। तो चलते हैं और ये भी देखते हैं, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है रास्ते में देखने की और हम देख सकते हैं तो ज़रूर देखेंगे और दर्शन करेंगे बाबा के, और आप लोगों को भी दर्शन करवाता हूँ एक ऐसी अलौकिक चीज़ के जो कि संसार में सिर्फ एक ही है, इतनी ऊंची है जो। बाकी चलो भाई, हर हर महादेव, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, क्योंकि 5-6 किलोमीटर तो है ही। अरे यार देखो भैया, एक है ना भाई है, ये रास्ते में मिल गए तो कह रहे नाश्ता चाय पानी करके जाओ, तो हमें ऐसे रॉन्ग साइड पे जाना पड़ रहा है अभी, क्योंकि वो कह रहे आगे कुछ है नहीं। ये इधर भैया खड़े हैं ना, ये कह रहे नाश्ता वास्ता करके जाओ, चाय पानी पी के फिर चले जाना। तो ठीक है यार, अब कोई इतना रिस्पेक्टफुली बुला रहा है और इज्जत दे रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है उसको समय देना थोड़ा, क्योंकि चलते तो रहेंगे ही, ज़िंदगी है चलने का नाम। थोड़ा सा रॉन्ग साइड आके ये भैया इधर ही हैं, ये देखो इन भैया ने बुला लिया भाई। तो इधर पोहा है और कचौड़ी, और भैया लेके आ गए हमें कि चलो नाश्ता चाय वगैरह पी लेना अपना और उसके बाद आगे निकल जाना। तो अभी चाय वाय नाश्ता वास्ता करके फिर निकलते आगे, क्योंकि अभी मंदिर जाना है और आज उदयपुर पहुंचना ही पहुंचना है। तकरीबन 10:30 हो गए होंगे टाइम, 10:30 हो गए ऑलरेडी भाई, हमें निकले हुए अभी 3 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे में 20 किलोमीटर सिर्फ। समोसा ले लिया हमने, समोसा चटनी इसने मोनू ने भी, अब खा पी के और फिर निकलेंगे आगे। ये है भाई वो शिव मूर्ति जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, शिव बाबा की मूर्ति है जो तो ये है सामने। अभी है दूर और ये पहाड़ी पे है, वहाँ तक जाना पड़ेगा हमें, कोई नहीं पैदल पैदल चल लेंगे, पर देख के जरूर आऊँगा भाई, जाऊँगा जरूर दर्शन करने। देखा तो भाई हम पहुँच चुके हैं नाथ द्वारा, ये देख लो ये सामने गेट भी आ गया, मार्केट से निकल के अभी ना यहाँ मार्केट है सामने, ये मार्केट से निकल के जाना हमें। तो भाई साइकिल की दुकान पे आ गया मैं और साइकिल दिखा लूँ एक बारी ना, क्योंकि बिना साइकिल के कुछ नहीं है अपना, बिना साइकिल के जाएंगे कैसे आगे। तो साइकिल ठीक करा लूँ पहले फिर चलेंगे। देख लो भाई कई बारी ना कुछ अच्छी चीज़ देखने के लिए और आप लोगों के लिए दिखाने के लिए ऐसे गलियों के चक्कर काटने पड़ते हैं फिर। और ये ना पूरी गली है जो पहाड़ी है,
मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। पर ये है कि अगर वहाँ तक पहुँच जाते हैं ना एक बार अपने डेस्टिनेशन तक, तो फिर ये लगता है कि हाँ यार सफल होगी चीज़। भले ही मैं ऊपर नीचे पहाड़ी वहाड़ी ये वो सब कुछ था नहीं, तो अभी 500-600 मीटर और रह गया शिव मूर्ति, वहाँ जाके मिलता हूँ आपको। देख लो भाई ये आ गई वो सब मूर्ति, ये सामने ही बाबा की मूर्ति आ गई, पर पहाड़ी है पूरी। पर मेरी हालत ख़राब होगी यार, पैदल चला के भी चलनी साइकिल। यार सच में ना इतनी ज़्यादा चढ़ाई है, मतलब पीछे देखो पूरी चढ़ाई से लेके आ रहा हूँ और आगे भी अभी चढ़ाई चढ़ाई है, हालत ख़राब होगी। और ना पैदल चल चल के जान निकल गई भाई, बड़े बाबा आज तो जान ही ले ली बाबा ने। भाई इतनी मेहनत के लिए तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो भाई। हाँ भाई इतनी ज़्यादा मेहनत के लिए और उसका नतीजा भी अच्छा होने वाला है खैर, तो इसके लिए तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो यार। इतना तो मैं मांग सकता हूँ कि यार इतनी मेहनत के बाद इतना तो मेरा हक बनता होगा कि आप लोगों को इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा मैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अभी पूरी पहाड़ी चढ़नी है मेरे को, दिक्कत आ रही है आज और हवा ने जान ले रखी, ऊपर से बैग बहुत भारी है मेरा तो ना, बैग बहुत भारी है भाई। तो भाई ये मूर्ति है वो, अभी चलते हैं इसमें अंदर, 200 रुपये टिकट है यहाँ की, तो चल के देख के आते हैं। मैंने साइकिल तो यहीं लगा दी साइड में, पार्किंग है यहाँ पे, अंदर आते ही पार्किंग है तो अपने पार्किंग लगा दी, साइकिल अंदर चलते हैं और देख के आते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। तो भाई ये सामने टिकट काउंटर है और इधर शिव मूर्ति, तो इधर से ही रास्ता है अंदर से। बहुत गर्मी है आज, मतलब निहायत ही ज़्यादा गर्मी है, धूप है ना इतनी ज़्यादा धूप है, मतलब सड़ जाए आदमी इतनी ज़्यादा धूप है। और अभी मेरे को 50 किलोमीटर और जाना है यहाँ से, तकरीबन 45-50 किलोमीटर, पर ठीक है यार आए हैं तो दर्शन करके फिर चलते हैं। तो भाई ये है यहाँ का जो टिकट काउंटर है, और मैंने मेरी टिकट ले ली, ये दी है 200 की, और अभी चलते हैं नीचे से। पता नहीं जाना तो यहीं से है मेरे को, बाकी ऊपर से पार्क वगैरह है कुछ, यहीं से जाना होगा। और भाई इसकी बता देता हूँ मैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू है, 369 फीट है, 351 नहीं 369 फीट है ये। मैंने पूछा अभी उनसे, और इसमें दो टिकट हैं कि अगर आपको अंदर जाना है तो 500 रुपये है, उसमें पूरा अंदर 20 फीट तक लेके जाते हैं और पूरा घुमा के लाते हैं वो, और अगर बाहर बाहर से जैसे मेरे को देखना बाहर बाहर से तो फिर 200 रुपये की टिकट है। ये प्रवेश लिखा हो ना, प्रवेश द्वार, यहाँ से चलना अपने को। चलो आपको ना एक बात बताता हूँ इस मूर्ति के बारे में कि इसमें आप 20 फीट तक ऊपर जा सकते हो, अंदर 3D वो है, मतलब एक मूवी टाइप चलती है 3D, और ऊपर जाके ग्लास भी है, जैसे चाइना में नहीं है वो ग्लास, वॉकिंग ग्लास जो वो भी है। पर एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, ये जो है ना ये एज्यूमेंट पार्क है एक, ठीक है, इसके अंदर सारा स्नो पार्क वगैरह ये वो सब कुछ है और उसमें ही मूर्ति बनाई हुई है ये, ठीक है। तो इसलिए मेरे को तो सिर्फ मूर्ति देखनी थी, मेरे को किसी ने बताया था जयपुर में ना, एक भैया मिले थे शर्मा जी, सुशील शर्मा नाम था उनका मेरे ख्याल, उन्होंने बताया था कि वहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नहीं टॉलेस्ट स्टैचू है शिव बाबा का, तो वो ज़रूर देख के आना, तो इसलिए मैं देखने आ गया। ये स्टैचू है भाई मेरे सामने ही बिल्कुल, अभी इसके फ्रंट साइड चलते हैं और फिर देखते हैं। ये देखो भाई कितने बड़े शिवलिंग है, यहाँ पे जलाभिषेक हो रहा है, शिवलिंग कितने बड़े शिवलिंग है आप देख सकते हो। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, आप कभी भी आओ तो मतलब वर्थ इट तो है, वैसे काफ़ी सारी चीज़ें देखने की। अभी निकल चुका हूँ मैं बाहर, बस उधर बाहर साइकिल लगाई थी, साइकिल लेके और वापस अपने सफ़र के लिए निकलते हैं। ये सामने ही मूर्ति रहेगी, देख लो ये पीछे। दर्शन करके बाहर, वहीं पे श्रीनाथ जी का मंदिर था,
दर्शन वगैरह करके आगे बाहर अब पहुँचना उदयपुर जल्दी से जल्दी। 42 किलोमीटर बचा है अभी, तो देखते हैं कितना समय लगने वाला है अपना, क्योंकि एक बज गया है अपना ऑलरेडी। आज बहुत ही धीरे हैं अभी जो मुंबई अहमदाबाद उदयपुर इतनी दूर है अपने से, तो दिखाता हूँ आपको। मुंबई है 780, अहमदाबाद 286 और उदयपुर है 35। आज उदयपुर तो पहुँच जाएंगे, पर आगे पूरा पहाड़ी एरिया है, दिक्कत ही हो रही है अभी। जब तक ये पहाड़ी पार नहीं होगी ना, तो ऐसे ही चलता रहेगा सफ़र। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, धूप है ना जो सिर पे खड़ी है, और हाईवे है जो बिल्कुल ऐसा हाईवे आ गया अब, और यही हाईवे है जो मुंबई जाता है। मतलब पीछे ना एक बोर्ड लगा हुआ दिख गया मुंबई का, इतनी खुशी हुई है ना आपको बता नहीं सकता यार, सीरियसली इतनी खुशी हुई मेरे को कि अच्छा मुंबई का कम से कम बोर्ड तो दिखा, क्योंकि दिल्ली से जब निकले जब तो जयपुर तक का दिखता है, फिर जयपुर से आगे आओगे तो अजमेर, अजमेर से निकलोगे तो भीलवाड़ा उदयपुर, इनके बोर्ड दिखेंगे, पर अब जाके मेरे को मुंबई का बोर्ड दिखा एक, और मतलब ये लगा लो बहुत खुशी हुई भाई, इतनी मेहनत करके यहाँ तक आ गया मैं। कितनी साइकिलिंग कर चुका हूँ मैं अप्रोक्सीमेटली मान लो कि तकरीबन 700-750 किलोमीटर के करीब चल चुका हूँ मैं साइकिल से, और आज दिन है मेरा 9th। 9 दिन हो गए मेरे को घर से बाहर, ना खाने का पता, ना पीने का, ना सोने का, कुछ नहीं पता, बस ट्रैवलिंग और आप लोगों के लिए ब्लॉग्स बस। और जिस दिन रेस्ट डे भी होता है ना, उस दिन रेस्ट डे नहीं होता मेरा, उस दिन भी वीडियोस एडिटिंग करनी होती हैं सारी, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस कॉल्स सब की ब्लॉग नहीं आएगा, और जितने भी लोग फिर ब्लॉग्स में होते हैं रास्ते में मिले हैं जो सबको वेट करते हैं कि यार ब्लॉग नहीं डाला राहुल भाई, ब्लॉग नहीं डाला, तो इसलिए रेस्ट डे वाले दिन भी रेस्ट नहीं है मेरे लिए। उस दिन मेरे को अपने कपड़े धोने हैं और फिर ब्लॉग्स एडिट करने हैं, फिर शेड्यूल करने हैं, और फिर दोबारा निकल भी जाना है। रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा, और पैर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, या तो लिगामेंट टियर हो गया है, या मसल टियर हुआ, कुछ भी हुआ है, पर हुआ ज़रूर है, क्योंकि मेरे पैर ना जो ये उठ नहीं रहा, अब प्रॉपर से काम नहीं कर रहा। देखो ऐसा कुछ रास्ता है, और प्रेशर बार बार लगाना पड़ता घुटने से ही ना, देख लो। अब ऐसे रास्ते से प्रेशर लगा के बार बार पहाड़ी चढ़ना तो घुटने में तो दर्द होगा ही भाई, अगर कोई इंजरी भी होगी तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, दिक्कत ये भी तो है। पर देखते हैं भाई, अब तो उदयपुर जाके इसका एक्सरा होगा, फिर पता लगेगा क्या हुआ है। हाँ मेरे को आना था सुखेरा, एक फ्रेंड है मेरा, उनका घर है यहाँ पे, तो वहाँ आना था मेरे को। तो यहाँ से उदयपुर रह गया अभी 5-7 किलोमीटर और आगे, अपने को यहीं तक रहना। चल ओए। तो भाई मैं आ चुका हूँ अभी उदयपुर, उदयपुर मतलब 4-5 किलोमीटर आगे रह गया, अभी थोड़ा सा पीछे रह गया क्योंकि एक फ्रेंड है हमारे, आपने सबने बाटी मीटअप का वीडियो देखा होगा, व्लॉग देखा होगा, तो मैं भैया के घर आ गया हूँ, आदि भाई के, ये भाई आदि भाई हैं, तो हम मतलब फेसबुक ग्रुप में हैं इकट्ठे, एक साथ ही ग्रुप में। तो यहाँ पे आ चुका हूँ अभी, अपना सामान वगैरह अनपैक कर दिया पूरा, और बाकी जो भी अपडेट रहेगी आगे की, क्योंकि मेरे को मैंने आपको बताया जैसे मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, तो एक्सरा वगैरह कराना है मेरे को वो सब, तो मैं वो इंस्टाग्राम पे दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लेना मेरा, है ना। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब
जिस काम के लिए हम निकले हुए इस सफर पे वो कंप्लीट कर सकता है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।